नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। खबर हरियाणा से है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने अपने चंडीगढ़ स्थित निवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह छापेमारी 5 बड़े शहरों के उद्योगों में की गई है, जिनसे गुरुग्राम, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, रेवाड़ी व हिसार शामिल है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में चोरी पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर छापे मारे गए हैं। इन छापों के जरिए सरकार प्रदेश के नागरिकों को यह संदेश देना चाहती है कि बिजली चोरी अब किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की छापेमारी में तारों में कट, मीटर में गड़बड़ी आदि के कई मामले सामने आए हैं और चोरी की इन गड़बड़ी में अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार छापेमारी से 3000 किलोवाट से ज़्यादा की बिजली की चोरी पकड़ी गई, जिससे एकदम लाइन लॉस नीचे आ गया। लाइन लॉस कम होने से बिजली क्षमता में सुधार आएगा और उपभोक्ताओं को और भी सस्ती बिजली मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार बिजली चोरी पकड़ने के लिए सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। लंबे इनपुट के आधार पर यह छापेमारी की गई है ताकि बिजली चोरी को बिल्कुल बंद किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार को बिजली चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाने की योजना है, इसलिए सभी उपभोक्ता ईमानदारी से अपना बिल भरे। इससे विभाग का राजस्व बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ बड़े स्तर पर छापेमारी से बिजली चोरी में काफी कमी आएगी। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट।